गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम अगेन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम TGT PGT एंड UPHSC एंड हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स विद ज्योग्राफी. आई टॉट माय प्रीवियस वीडियो हाउ टू सॉल्व द स्ट्रिंग इक्वेशन या वेव इक्वेशन बाय द वेरिएबल सेपरेशन मेथड्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन दिस लेक्चर्स हाउ टू सॉल्व द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन बाय द वेरिएबल सेपरेशन मेथड. हियर वी आर डिस्कस ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. वी आर नॉट यूजिंग द कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशंस. सो वी आर कंप्लीटेड द हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स माई यूट्यूब चैनल विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ज्योग्राफी भी आपका UP PGT TGT हायर एजुकेशन के वीडियोज आपके अपलोड हैं. प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल सेपरेशन दिया हुआ है कि इस यूनिट के इतने लेक्चर हैं, इस यूनिट के इतने लेक्चर हैं, तो आप देख सकते हैं. इस स्थिति में आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज तो पॉसिबल है नहीं, तो ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए बेस्ट हैं जो आपकी एजुकेशन को जारी रख सकती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बाई द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और आपका 10 सेकंड का समय लूँगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. तो इससे क्या होगा कि आपको जब लाइक्स और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. डेली ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेली ओवर डेल एक्स टू. दिस इज द हीट वन डायमेंशनल हीट इक्वेशंस. इट मीन्स यहाँ वेयर यू इज द रिप्रेजेंट द टेम्परेचर और यू इज डिपेंड अपॉन एक्स एंड वाई. सॉल्यूशन वी आर गिवेन डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इन प्रीवियस लेक्चर वी आर कंप्लीटेड. देखिए यू डिपेंड एक्स एंड टी, सो लेट यू इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स एंड टी एंड कैपिटल टी. वी नो दैट एक्स वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली. हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यू डिपेंड कर रहा है एक्स एंड टी पर. सो यू डिपेंड इन एक्स एंड टी द यू इज द पार्शियल डेरिवेटिव बट एक्स इज द डिपेंड अपॉन एक्स सिंगल वेरिएबल. दिस इज द नॉर्मल डिफरेंशिएशन एंड टी इज द डिपेंड अपॉन टी. सो राइट इन द फॉर्म ऑफ यू इक्वल टू एक्स एंड टी. सो डेल यू ओवर डेल टी डेल यू यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टू एक्स इज कॉन्स्टेंट. सो एक्स डी टी ओवर ऑफ डी टी. वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस. अगेन यू आर फाइन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में देन टी डी एक्स ओवर डी एक्स. अगेन डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू इन टी डी टू एक्स ओवर डी एक्स टू. सिमिलर प्रोसेस फॉर द प्रीवियस इक्वेशन वेव इक्वेशंस. सो यू आर नॉट सी वॉच माई द प्रीवियस वीडियो. सो आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू यू वॉच द सी माई द प्रीवियस वीडियो. आफ्टर देन यू सी दिस वीडियो बेटर अंडरस्टैंड. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल यू ओवर डेल टी एंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स इन फर्स्ट. ठीक है ना, ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल यू डेल टी आपका एक्स. इट मीन्स एक्स ऑफ दिस डी टी ओवर डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर टी डी टू एक्स ओवर डी एक्स टू. ठीक, वेरिएबल सेपरेशन वन अपॉन एक्स डी टू एक्स ओवर डी एक्स टू इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी ओवर डी टी लेट माइनस ऑफ पी स्क्वायर सी. इधर आपका माइनस पी स्क्वायर. प्रीवियस लेक्चर में भी इक्वेशन में भी माइनस ऑफ पी स्क्वायर बिकॉज वी आर डिस्कस हियर ओनली द इमेजिनरी रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ माइनस पी स्क्वायर. माइनस पी स्क्वायर इज स्क्वायर रूट इज पी आई इज ऑलवेज इमेजिनरी. सो टेकिंग फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड। तो 1/x d2x ओवर dx2 इक्वल टू माइनस पी स्क्वेयर एंड d2x ओवर dx2 इक्वल टू माइनस ऑफ xp स्क्वेयर d2x ओवर dx2 प्लस xp स्क्वेयर इक्वल टू जीरो इम्प्लाई दैट d स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर इन x इक्वल टू जीरो ऑपरेटर फॉर देन d इक्वल टू m एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो एम स्क्वेयर इक्वल टू माइनस पी स्क्वेयर एम इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ पी आई। यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एम प्लस माइनस पी आई। सो दिस इज द इमेजिनरी रूट ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखिए प्लीज मेक अ नोट, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आपका। देखिए आप क्या करेंगे, अब देखिए अब इसका सी एफ पी आई लिखेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे इसको भी रफ करते हैं यहाँ से। एम दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू और साइन ऑफ पी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। प्रीवियस में भी यही आया था हमारे पास। एंड लास्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, वी टेक द सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड हमारे पास वैल्यू ये है एंड थर्ड वैल्यू ऑफ दीज। सो वी आर टेकिंग वन अपॉन सी स्क्वेयर टी डी टी ओवर डी टी यूक्वल टू ऑफ माइनस पी स्क्वेयर एंड डी टी ओवर डी टी यूक्वल टू माइनस सी स्क्वेयर टी एंड पी स्क्वेयर। तो डी टी ओवर डी टी प्लस सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर एन टी यूक्वल टू जीरो ऑपरेटर फॉर डी प्लस पी स्क्वेयर एन टी यूक्वल टू जीरो एंड डी यूक्वल टू एम देन ऑक्सिलरी इक्वेशन एम प्लस सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर यूक्वल टू जीरो एम यूक्वल टू माइनस सी पी सी स्क्वेयर ऑफ पी स्क्वेयर। देखिए ये इमेजिनरी रूट नहीं आया हमारे पास, है ना, वहाँ पर इमेजिनरी आया जहाँ एम की वैल्यू माइनस का सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर। ठीक, अब इसको लिखेंगे आप, इसको कैसे लिखेंगे, टी इक्वल टू सी थ्री ई टू दी पावर माइनस सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर ऑफ टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन, इट मींस कंप्लीट सॉल्यूशन आपने लेट किया था यू इक्वल टू एक्स एंड टी, वैल्यू ऑफ एक्स सी वन कॉस पी एक्स एंड सी टू साइन ऑफ पी एक्स एंड वैल्यू ऑफ टी सी थ्री ई टू दी पावर माइनस सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर इन टी एंड यू। इसको ऐसे लिखिए आपका एक्स कोमा ऑफ टी। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन बाई द वेरिएबल सेपरेशन मैथड। इट मीन्स यू एक्स और टी पर डिपेंड है, तो ये वैल्यू हमारे पास एक्स और टी की फॉर्म में आया। ठीक, समझ गए होंगे वेरिएबल सेपरेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन या वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस पर डिपेंडेंट, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस पर डिपेंडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विद द इनिशियल कंडीशंस, इसमें कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो उन कंडीशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपका, इफ़ यू न्यू व्यूअर माई यूट्यूब चैनल सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।